हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप फिट एंड हेल्दी होंगे। अगर नहीं है तो ये वीडियो देख के जरूर हो जाएंगे। हम सब ने सुना है लोहा लोहे को काटता है, क्या आपने सुना है फैट फैट को भी काट सकता है? नहीं ना। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है आप जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है? हम मोस्टली हाई कार्ब वाला खाना खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल। हमारी बॉडी कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर सोचिए यही सेम काम फैट करे तो, अगर हम हाई फैट वाला खाना कंज्यूम करेंगे तो फैट कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनर्जी के लिए भी वही यूज होंगे। इसी तरह से फैट फैट को बर्न करता है और यही काम है कीटो डाइट का। अब कीटो डाइट क्या होती है? कीटो डाइट और कीटोजेनिक डाइट एक लो कार्ब हाई फैट डाइट है। इसमें हमारी बॉडी के पास एनर्जी के लिए मेन सोर्स सिर्फ फैट होता है। कीटो डाइट में हम कार्ब्स कम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, उसे हम कहते हैं कीटोसिस। और इसी टाइम हमारी बॉडी सबसे ज्यादा फैट बर्न करती है। नाउ टाइप्स ऑफ कीटो डाइट। कीटो डाइट जनरली 4 टाइप्स की होती है, साइक्लिक, स्टैंडर्ड, टारगेट एंड हाई प्रोटीन डाइट। स्टैंडर्ड कीटो डाइट में हम जनरली 70% फैट, 20% प्रोटीन एंड ओनली 10% कार्ब कंज्यूम करते हैं। साइक्लिक कीटो डाइट में हम 5 डेज लो कार्ब कंज्यूम करते हैं और 2 डेज हाई कार्ब कंज्यूम करते हैं। वहीं हम टारगेट कीटो डाइट में पूरा दिन में सिर्फ 1 टाइम ही कार्ब कंज्यूम करते हैं, वो नियर हमारे वर्कआउट का रहता है। और लास्ट वन इज हाई प्रोटीन कीटो डाइट। इसमें हम 60% फैट, 35% प्रोटीन एंड ओनली 5% कार्ब कंज्यूम करते हैं। मोस्ट रिकमेंडेड कीटो डाइट है स्टैंडर्ड एंड हाई प्रोटीन डाइट। साइक्लिक और टारगेट कीटो डाइट मोस्टली बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। सो फ्रेंड्स, ये 10 साइंटिफिकली प्रूव कीटो डाइट के बेनिफिट्स है। सो द फर्स्ट वन इज कीटो डाइट रिड्यूस योर एपेटाइट। डाइटिंग का सबसे वर्स्ट साइड इफेक्ट है हंगर, और इसी रीजन से हम मोस्टली डाइट बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये स्टडीज में प्रूफ हुआ है कि कीटो डाइट में कार्ब कम लेने से, फैट और प्रोटीन ज्यादा इंटेक करने से हमारा एपेटाइट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सेकंड इज इट लीड्स टू मोर वेट लॉस। अगर आपका मोटिव भी वेट लॉस है तो सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे है कार्ब कटिंग। एक स्टडी में भी प्रूव हुआ है जिन लोगों ने लो कार्ब डाइट की है उनका वेट जल्दी कम हुआ है एज कम्पेयर टू जिन लोगों ने लो फैट डाइट ली है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर होता है या इंसुलिन लेवल, ये उन दोनों को कम कर देता है, जिससे हमारा वेट जल्दी कम हो जाता है। थर्ड इज एब्डोमिनल फैट लॉस। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स का फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है, और विसरल फैट जो एब्डोमिनल कैविटी और ऑर्गन्स के साइड में होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में सीरियस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कीटो डाइट इज ये सबसे इफेक्टिवली इस फैट को कम करती है। फोर्थ इज इट ड्रॉप्स ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स एक फैट मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है और जिसके कारण हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज होने के रिस्क बढ़ जाता है। कीटो डाइट बहुत इफेक्टिव है इसे हमारे ब्लड से कम करने में। इट इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब हम कीटो डाइट करते हैं तो हम हाई क्वांटिटी में फैट कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है और उसके कारण हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस इंसुलिन एंड ब्लड शुगर लेवल। अगर आप भी अपना इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि आप अपनी डाइट में से कार्ब्स को कट कर दें। इनफैक्ट एक स्टडी में पता चला है जिन लोगों ने कीटो डाइट की है उनमें से 95% लोगों ने 6 मंथ्स में अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं कीटो डाइट ऑन डायबिटीज का वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से बहुत से बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर।
कीटो डाइट एक बेस्ट वे है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। इट इज अफेक्टिव अगेंस्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमें डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का रिस्क रहता है। इसके सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल ओबेसिटी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और लो HDL होते हैं। कीटो डाइट इन सबको कंट्रोल करने में इफेक्ट। इट इम्प्रूव्ड बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। बैड कोलेस्ट्रॉल से हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें पार्टिकल्स का साइज इम्पोर्टेंट होता है। अगर साइज छोटा है तो रिस्क ज़्यादा रहता है और अगर साइज बड़ा है तो रिस्क कम हो जाता है। कीटो डाइट से पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो जाता है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज इट इज थेरेप्यूटिक फॉर सेवरल ब्रेन डिसऑर्डर। हमारा ब्रेन एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज करता है, लेकिन कीटो डाइट में ये कीटोन्स को बर्न करता है। काफी केसेस में देखा गया है कि कीटो डाइट से एपिलेप्सी के बच्चों को ट्रीट किया गया है। इनफैक्ट एक स्टडी में पता चला है कि आधे से ज्यादा बच्चों में 50% सीजर्स रिड्यूस हुए हैं और 16% बच्चे सीजर फ्री हो चुके हैं। इनफैक्ट डिजीज लाइक पार्किंसन एंड अल्जाइमर पर भी कीटो डाइट स्टडी की जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये था कीटो डाइट और उसके बेनिफिट्स। अगर आपका भी कोई कीटो डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।